हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज इस व्लॉग में आप लोग घुमाएंगे आदित्यपुर पंडाल, एस टाइप का पंडाल। इस बार दुर्गा पूजा में क्या बनाया जा रहा है इस टाइप में, तो चलिए आप लोग इस व्लॉग में बने रहिए। एंड हर साल के भांति इस साल भी बहुत ही भव्य बन रहा है वहां का पंडाल गाइस। तो चलिए आप लोग को इस व्लॉग को एंड जरूर देखना पड़ेगा जानने के लिए क्या बन रहा है वहां पे। तो चलिए इस व्लॉग को बने रहिए आप लोग। एंड अगर आप लोग नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। एंड फिलहाल देखिए ये जो हम लोग चौक पहुंचे हैं ये है शेरे पंजाब चौक। तो चलिए चलते हैं एस टाइप। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं शेरे पंजाब चौक एंड दुर्गा पूजा के टाइम में यहाँ पर काफी भीड़ रहता है। एंड अगर आप लोग मेरे मलखान सिंह वाला ब्लॉग नहीं देखे हो तो प्लीज वो भी जाके देख लेना, उसके बाद फिर ये ब्लॉग देखना फ्रेंड्स, क्योंकि वहां का पंडाल भी हम काफी विस्तार में समझाएं आप लोग क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है दिखाए उस ब्लॉग में। तो वो ब्लॉग भी जरूर देख लेना, आई बटन ऊपर लिंक आ रहा होगा। एंड देखिए ये है इमली का पेड़ एंड इसे कहते हैं इमली चौक। एंड इस जगह दो दो पंडाल बनता है गाइस। तो ये है इमली चौक एंड यहाँ पे भव्य मेला का भी आयोजन होता है। एंड देखिए ये भी दुर्गा पूजा का पंडाल यहाँ भी बनना शुरू हो चुका है। एंड यहाँ पे काफी बड़ा मेला भी लगता है इस मैदान में। एंड इस तरफ है एस टाइप मोड एंड यहाँ भी काफी भव्य पंडाल का बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग दिखाएंगे कि हम लोग पहुंच चुके हैं एस टाइप मोड। यहाँ पे काफी सुंदर गेट बनता है एंड लाइटिंग भी यहाँ पे काफी जोर से होती है एंड भीड़ यहाँ पे अच्छा खासा होता है फ्रेंड्स। जो भी मलखान सिंह का पंडाल आते हैं देखने के लिए वो जरूर आते हैं इस जगह देखने के लिए, एस टाइप मोड का पंडाल। गाइस तो देखिए ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा एस टाइप का पंडाल। एंड यहाँ पे ये पंडाल काफी ऊंचा बन रहा है। एंड जैसे कि बात करते हैं कारीगर से क्या बन रहा है इस जगह पंडाल में। तो गाइस देखिए जैसे कि यहाँ पे ये कारीगर काम कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि ये क्या पंडाल बन रहा है। तो उनके हिसाब से ये बन रहा है सोमनाथ मंदिर गुजरात का। देखिए इस पंडाल को मंदिर का रूप देने के लिए यहाँ पे ये ढांचा बनाकर रखा गया है जो कि प्लाई एंड लकड़ी का बनाया गया है, जो कि पूरे मंदिर का रूप लगने वाला है ये पंडाल बनने के बाद। तो आप इस पंडाल को जरूर देखिएगा पूरे बन जाने के बाद एंड ब्लॉग जरूर डालेंगे फ्रेंड्स। दिन रात ये लोग मेहनत कर रहे हैं। देखिए शाम के बज रहे हैं 5:45 एंड अभी भी देखिए ये लोग काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अंदर से। तो देखिए भैया लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी थोड़ा शाम हो गया है तो फ्रेंड्स थोड़ा अंधेरा नजर आ रहा होगा। एंड पूरा ये प्लाई का पंडाल बन रहा है एंड इसे अच्छे से कारीगरी करके इसे पूरे मंदिर का रूप दिया जाएगा। एंड ये पूरा प्लाई लगने के बाद इसके ऊपर फिर डिज़ाइन लगने वाला है जो कि पूरा मंदिर का रूप नज़र आएगा फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये पंडाल आकर ज़रूर देखना चाहिए एंड काफ़ी सुंदर लगने वाला है ये पंडाल अंदर से भी एंड बाहर से भी। ऐसे चलिए इस ब्लॉग कहीं पेंड करते हैं। एंड आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंड कौन सा पंडाल आप लोग को देखना है जमशेदपुर का तो वो भी कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा ताकि वो उसका वीडियो बना सके बहुत जल्द। एंड मेरे आने वाले ब्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।